कुछ तो गड़बड़ है दया। आप सोचो 1,70,000-80,000 में एथर आपको 100-110 किलोमीटर का रेंज दे रहा है, वहीं पे इसका जो मैक्स मॉडल है उसका भी प्राइस 1,70,000-80,000 आएगा ऑन रोड, और वहां पे आपको 300 किलोमीटर का रियल रेंज मिल रहा है। तो मतलब एथर। हेलो गाइस, तो फाइनली रिवोट मोटर ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवोट NX100 लॉन्च कर दिया है। और मतलब सच्ची यार, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, ये तो कुछ ज्यादा ही प्रॉमिसिंग लग रहा है यार, एकदम मतलब गर्दा उड़ा दिया इस तरह का फीचर्स जो है वो बता रहे हैं। इनका जो एलीट मॉडल है ना, उसका तो ये लोग ट्रू रेंज 300 बता रहे हैं भाई, मतलब ट्रू रेंज, IDC रेंज भी नहीं, ट्रू रेंज 300 बता रहे हैं। गाइस, टाटा की जो नेक्सोन EV है ना, उसका भी ट्रू रेंज 280 से 290 ही आता है, और ये भाई साहब तो 300 से 500 की ट्रू रेंज की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 5.7 किलोवाट आवर बैटरी के साथ। मतलब 300 से अगर 500 में अपग्रेड करोगे तो हो सकता है बैटरी और बढ़ाए, बट फिर भी यार 500 इज नॉट अ जोक। खैर, वैसे तो सिंपल वन भी 300-300 करके बहुत बोल रहा था, बट ऑन रोड आते आते उसका क्या हाल हो गया ये आपको भी पता है। वेल, अब बात करते हैं रिवोट के वो 5 मॉडल के बारे में जो कल लॉन्च हुआ है, उनके प्राइस, उनके फीचर्स, और उसके बाद में कुछ अपना ओपिनियन आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप रिवोट या जेंटू या कुछ और इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक करने की सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली मॉडल से जिसका नाम है क्लासिक। तो भाई क्लासिक में हमें मिलता है 100 किलोमीटर का रियल रेंज, 110 किलोमीटर का टॉप स्पीड है। भाई ये क्लासिक है सबसे छोटा मॉडल जिसका 110 किलोमीटर का टॉप स्पीड है, और जो ऑफ लेंडर आने वाला है ना, जो सबसे टॉप मॉडल है, उसका 100 किलोमीटर का टॉप स्पीड होगा। ऐसा क्यों है ये नहीं पता। अब बात करते हैं क्लासिक की बैटरी की। क्लासिक में आपको 1.92 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलने वाला है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, आई गेस यहाँ पे डिस्क नहीं मिलने वाला है, बट 110 का स्पीड है तो डिस्क देना चाहिए। रिको इंजिन, रिवर्स गियर, 7.84 वाला सेगमेंट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले जो है सबका ही ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या, डिस्प्ले साइज सेम है, बस फीचर्स आपको अलग अलग मिलेगा। क्लासिक में आपको मिलता है और स्टील टायर रिम, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर, और 12 इंच का फ्रंट एंड रियर ट्यूबलेस टायर। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 89,000 दिया गया है, मतलब आपको ऑन रोड ये लगभग 1,15,000-20,000 तक का पड़ सकता है, स्टेट वाइज वैरी करता है। इसका मतलब ये एयर से थोड़ी सी सस्ती होने वाली है, बट इसका जो रेंज है वो ऑलमोस्ट एयर जैसा ही है, एयर का भी ऑन रोड आपको 110-100 ही मिलता है। अब बात करते हैं प्रो मॉडल की। इनका जो प्रो मॉडल है उसमें आपको मिलेगा 200 किलोमीटर का रियल रेंज, 110 का टॉप स्पीड, 3.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा इसमें, एवरीथिंग इन क्लासिक। अब क्लासिक वाले मॉडल में जो जो चीज है वो सारे चीज तो मिलेंगे ही। सेंट्रल स्टैंड मिलेगा, फोन अनलॉक मतलब ऐप वाला फीचर आपको इसमें मिलेगा, बूस्ट फीचर मिलेगा, बूस्ट फीचर मतलब होता है कि आप 10-15 सेकंड के लिए आपका गाड़ी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जिससे आप ओवरटेक वगैरह बहुत आराम से कर सकोगे। इसमें आपको टच स्क्रीन मिलने वाला है, 4G इंटरनेट, मल्टीमीडिया और नेविगेशन, मतलब क्लासिक वाले मॉडल में आपको नेविगेशन नहीं मिलेगा, प्रो वाले मॉडल में आपको नेविगेशन मिलेगा। अलॉय व्हील, 1000 वॉट का ऑन बोर्ड चार्जर, आपको चार्जर अलग से कैरी करना नहीं पड़ता है, गाड़ी में ही चार्जर रहता है, आप निकालो और लगा लो। डायनामिक राइडिंग प्रोफाइल, जैसे मान लो आपका, जैसे हम लोगों का ओला में प्रोफाइल चेंजिंग का ऑप्शन आता है, वैसे शायद इसमें भी कुछ होने वाला है। एक्चुअली इनका जो लॉन्च इवेंट था वो ऑनलाइन में एकदम क्लियर नहीं था, वॉइस कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, इसी के लिए अभी भी बहुत सारे चीज जो है वो क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं इसका प्राइसिंग का। तो प्रो मॉडल का जो प्राइस है वो है 1,30,000 एक्स शोरूम, ऑन रोड ये आपको लगभग 1.55 या फिर 60 तक का ये प्राइस इसका ऑन रोड जाने वाला है। 1,60,000 में तो आपको वहाँ जेन 2 भी मिल जाएगा, और रेंज भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, ये तो भाई बोल रहे 200 का ट्रू रेंज, रियल रेंज। वैसे तो जेन 2 में 200 रियल रेंज भी नहीं मिल रहा है, जेन 2 में तो आपको 120, 30 और 40 ही मिल पा रहा है, बहुत एडजस्ट करके चला रहे हो। तो अब बात करते हैं इसका स्पोर्ट्स मॉडल। इसमें आपको 10,000 रुपया ज्यादा प्राइस है, इसमें भी आपको 200 किलोमीटर का ही, इसमें आपको 100 का टॉप स्पीड मिलता है, बाकी सब में 110 था, इसमें 100 का टॉप स्पीड मिलता है। इसमें आपको इसका बैटरी भी सेम 3.8 वाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा इसमें, एवरीथिंग इज प्रीमियम। राइडिंग कैम, हाँ इसमें आप 10,000 रुपया ज्यादा दे रहे हो तो इसमें आपको डैश कैम मिल रहा है, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक मिल रहा है, रोल प्रोटेक्ट, कंफर्ट बूट और कंफर्ट की मतलब कीलेस एंट्री मिलेगा आपको इसमें, और कंफर्ट बूट, शायद आपका जो टैप करके जो बूट ओपन किया जाता है वो फीचर आपको स्पोर्ट्स मॉडल में मिलने वाला है। इसका एक शोरूम प्राइस 1,40,000 है, बट ये आपको ऑन रोड 1,70,000 का पड़ेगा, किसी किसी स्टेट में 1,75,000 भी पड़ सकता है। अब आते हैं भाई इसकी टॉप मॉडल में जिसका नाम है ऑफ लैंडर। इसमें आपको मिल रहा है 300 किलोमीटर का रियल रेंज। भाई ये कैसे दे रहे हैं मुझे नहीं पता, कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसमें आपको टॉप स्पीड 100 का मिल रहा है,
5.76 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ये 300 जो किलोमीटर रेंज है ना, इसको आप 200 और बढ़ा सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं 500 तक। ये लोग किस लेवल में काम कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार। 500 फोर व्हीलर भी नहीं दे पा रहा है 40-50 किलोवाट आवर का बैटरी कैपेसिटी लेके, फोर व्हीलर भी ये रेंज नहीं दे पा रहा है। चलो मान लिया फोर व्हीलर का वेट ज्यादा होता है, बट फिर भी भाई 500 किलोमीटर इट्स नॉट अ जोक। खैर अगर ये दे पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऑन रोड में ये चीज लेके आए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ऑफ लैंडर में आपको मिलता है ऑफ रोड थीम, कंफर्ट बूट, रगेड रेडी प्रोटेक्शन केज, ऑफ रोड टायर्स। अब ये टायर्स में स्पेशल क्या है ये अभी तक मुझे पता नहीं है। ये मेरी तरफ से एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैं डिटेल में इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो प्राइस रेंज में ये दे रहा है ना भाई, ये तो मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। आप सोचो 170,000-180,000 में एथर आपको 100-110 किलोमीटर का रेंज दे रहा है, वहीं पे इसका जो मैक्स मॉडल है उसका भी प्राइस 170,000-180,000 आएगा ऑन रोड, और वहां पे आपको 300 किलोमीटर का रियल रेंज मिल रहा है। तो मतलब एथर